गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में ये बहुत यूजेस होता है, तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड सीमेंट मिक्सचर हैजार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आप गाइस हमें ये बताइए, सीमेंट मिक्सचर के बारे में आपको क्या जानकारी है? सीमेंट मिक्सचर कभी आपने देखा? हैव यू एवर सीन सीमेंट मिक्सर मशीन, या सीमेंट मिक्सर ट्रक भी बोलते हैं उसको। उसको शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में ज़्यादातर उसको जो है गाइस बोला जाता है मिलर। मिलर नाम से काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो उस मशीन का कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है गाइस? वो जो उसका रोटेटिंग पार्ट होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, वो सीमेंट्स को और गिट्टी को, ठीक है, बालू को, ठीक है, ये सब चीज़ों को मिक्स करके कॉन्क्रीट का काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी होती है उस सिचुएशन में गाइस, अगर हम मैनुअली कोई काम करते हैं, यदि हम मैनुअली उसको सीमेंट मिक्सर करेंगे, ठीक है, सीमेंट को, बालू को, और हमें क्वांटिटी बहुत चाहिए, किसी पियर कैप का, पिलर का कंक्रीट करना है, और उस सिचुएशन में गाइस हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में मसाले चाहिए, जो मसाले लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसमें हम मैनुअली करके हम पूरा नहीं कर सकते। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे सीमेंट मिक्सर की मशीनें होती हैं, ठीक है, जिसे वो मिक्स करके जो है और रेडी करके उसको जो है साइट पर पहुंचाकर कंक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, बहुत संबंधित सेफ्टी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से इसका बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, और एज ए ऑफिसर, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर इंजीनियर, हमें ये जानना चाहिए कि सीमेंट मिक्सर मिक्सर मशीन से जो है क्या हैजार्ड्स होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस वी विल सी दैट, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल मेजर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। आज जस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दी ओनली सीमेंट मिक्सर हैजार्ड्स। आज सिर्फ हम हैजार्ड्स के और उसके खतरे के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या खतरे होते हैं और मौजूद होते पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, गॉट इट? ओके, तो पहला जो है, फर्स्ट इज हेयर, मटेरियल कुड बी इंजेक्शन। ठीक है, मटेरियल जो है वो इंजेक्ट कर सकता है, जब किसी भी मिलर या सीमेंट मिक्सर मशीन जब वो रोटेटिंग करती है, तो इस सिचुएशन में भी जो उसके मटेरियल्स होते हैं, जब वो मिलर से या किसी जगह कॉन्क्रीट करते हैं, तो मटेरियल्स जो है बॉडी में भी आके मतलब इंजेक्ट कर सकता है, इंजेक्शन कर सकता है, आपके बॉडी में ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब इंटर कर सकता है, वो सिचुएशन हो सकती है, एंड दैट इज द फर्स्ट हैजार्ड ऑफ सीमेंट मिक्सर। ठीक है गाइस, दूसरा है हमारा, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन बी इंटेंजलमेंट। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन बी इंटेंजलमेंट गाइस, जो मूविंग ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन होता है, लाइक जब आपने देखा भी है साइट्स पे, और मैं भी अभी रिसेंटली में आप लोग को लेकर गया था साइट पर, तो वहां पे आपने देखा था वो मिलर जो सीमेंट मिक्सर मशीन थी वो इस तरीके से रोटेट करती है। अच्छा गाइस, इसी को कन्फाइन इसके भी बोल कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें वन एग्जिट और वन एंट्रेंस होता है, क्योंकि उसका जो उसकी जो डाया होती है, जो उसकी वेथ होती है बहुत कम होती है, और डेप्थ जो होती है वो सीमेंट मिक्सर की वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं थोड़ा सा बना के आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, अब इस तरीके से वो जो होता है, ठीक है, अब ये रोटेट करता रहता है, ये हो गया ड्राइवर कैबिन हो गया, ठीक है, ये आपका मिलर हो गया, तो यहां से ही मसाला जो है एंटर करके एग्जिट करता रहता है, ठीक है, और ये ऐसे इस तरीके से रोटेट करती रहती है, रोटेशन मूविंग पार्ट्स होता है। तो इस दौरान जो जब रोटेशन करता है सीमेंट मिक्सर मशीन, तो इसमें हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं गाइस, हैजार्ड्स उत्पन्न होते हैं, यदि अगर उस पे हम फोकस नहीं करेंगे, अगर नहीं समझेंगे कि फाइंड आउट नहीं करेंगे हैजार्ड्स को, तो उस सिचुएशन में लोगों को चोट भी आ सकती है, इंजरी भी हो सकती है, जो कैटेगरीज ऑफ इंजरीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो गाइस ये जो रोटेशन ऑफ पार्ट होता है, इसमें इसका जो ये होता है आपका वेथ जो है बहुत कम होता है, एक ही एग्जिट होता है, एक ही एंट्रेंस होता है, सारे मटेरियल्स के अंदर में वो रोटेट करते हैं, मिक्स होते रहते हैं, इसमें बालू भी हो गया आपका, और गिट्टी भी हो गया, और इस तरीके सीमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये चीजें जो है एक तरीके से कन्फाइन स्पेस भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यदि किसी को अगर डाल दिया जाए तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और बहुत मतलब हैजार्ड से भरा हुआ ये पार्ट है इसका,
और जब रोटेट करता रहता है, तुम आपको पता है गाइस मूविंग फैन इज अ हैजार्ड, ठीक है, तो वो एक हैजार्ड है, तो ये हैजार्ड यहाँ पे भी हुई है कि मूविंग पार्ट ऑफ मशीन वो हैजार्ड्स को क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है गाइस, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो एक तरीके से कन्फाइन स्पेस भी हो जाता है, इस सिचुएशन की बात करो, बाकी है नहीं ऐसा, मैं इसकी जो ट्रक का ये जो एरिया होता है जिसमें ये मिक्स करता है उसका जो पार्ट होता है उस सिचुएशन में ऐसा कहा जाता है, ये भी तरीके से कन्फाइन स्पेस के तरीके से, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, डेप्थ कम होती है, ठीक है। खैर ये चीज क्लियर है गाइस। और मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन बी इंटेंसलमेंट, मतलब मूविंग पार्ट ऑफ मशीन जो होती है वो आपको मतलब इंटेंसलमेंट हो सकता है, लोग उसके चपेट में आ सकते हैं, ठीक है, वो उसके चपेट में आने से इंसान की जो है बहुत कैटेगरीज ऑफ जो इंजरीज होती हैं, लाइक आपका इंटेंसलमेंट हो जाना, ठीक है, उसके बाद में एब्रेशंस हो जाना और कट हो जाना, फ्रिक्शंस हो जाना, ठीक है, और ये सब सारी चीज कैटेगरीज हैं जो है, और इस पर हम आज डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ गाइस। प्रेजेंस ऑफ केमिकल हैजार्ड्स, और केमिकल हैजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो गैस कैसा होता है कि वहां पे प्रेजेंट प्रेजेंस रहने का सेंस ये हो जाता है कि सीमेंट क्या है आपका, सीमेंट जो है एक केमिकल है, अब उस केमिकल हैजार्ड्स है उसके कॉन्टेक्ट में यदि आप विदाउट, जैसे कि सपोज दैट इफ यू आर वर्किंग विदाउट ग्लव्स, ठीक है, और विद सीमेंट आप सीमेंट के साथ काम कर रहे हैं बिना हैंड ग्लव्स के, तो गाइस उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली अगर आपका वेट हैंड हो, गीला हाथ हो, और आपका हाथ जो है सीमेंट से लगातार कॉन्टेक्ट में हो, उसके टच में, तो उस सिचुएशन में जो इरिटेशन होता है और जो स्किन की डिजीज होती है वो उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो मैनुअली तो प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ ज्यादा हमें चाहिए गाइस, मटेरियल चाहिए, तो वो मिलर और मिक्सर मशीन ही करके दे सकता है। तो सीमेंट भी है एक क्रोसिव और एक बिग हैजार्ड्स है, क्योंकि सीमेंट जो है केमिकल हैजार्ड्स में बहुत ही क्रोसिव होती है, इससे हमें बचाव करना चाहिए। अगर मैनुअली कोई यदि काम कर रहा है सीमेंट के द्वारा तब हमें हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और मिक्सर कॉन्क्रीट मिक्सर से भी काम हो रहा है तब भी हमें कंक्रीट किया जा रहा है, कंक्रीट मिक्सर आके रेडी हो गई, मिक्सर मशीन आ गई, कंक्रीट किया जा रहा है, तो उस दौरान हमको फील, उस दौरान हमें ये नहीं कि हाथ लगाकर आप जो है कंक्रीट को इस तरीके से आप वो करें, वाइब्रेटर को बिना हैंड ग्लव्स के पहनने, वाइब्रेटर होता है जो हर जगह पे पहुंचा देता है कंक्रीट को, तो ये सब चीजों को ध्यान देना है। हमें उसमें गम्बूट पहनना है, पैर यहाँ तक गम्बूट होता है, पैर के ऊपर तक यहाँ तक गम्बूट आता है, उस गम्बूट को पैर में पहनेंगे, वर्कर्स को ये चीज हमें उनको एडवाइस देना है, उनको सजेशन देना है कि आप गम्बूट का इस्तेमाल करें और उसके बाद कंक्रीट का काम करें, क्योंकि गम्बूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीमेंट इट इज अ बिग हैजार्ड, ठीक है, इसलिए जो है इसका केमिकल हैजार्ड से बहुत ध्यान पूर्वक उस पर काम करना चाहिए। और गम्बूट का इफ यू यूज दैट देन आपको जो है फील फ्री आप काम कर सकते हैं, स्मूथली काम कर सकते हैं, वर्कर्स भी इजी काम कर सकते हैं, उनको स्किन की कोई डिजीज बीमारी नहीं होगी। तो ये सेफ्टी के प्रिकॉशंस में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डीपली जानेंगे, ठीक है। खैर बात यहाँ पे है केमिकल हैजार्ड्स क्या क्या है, ठीक है, इरिटेंट्स की जो है सिचुएशन बनती है आपका सीमेंट्स जो है वही हैजार्ड्स में आता है। नॉइज कुड बी हियरिंग लॉस, आपका जो नॉइज होता है ज्यादा शोरगुल, क्योंकि जो कंक्रीट मिक्सर मशीन होती है वो जब रोटेट करता रहता है, जब मूविंग ऑफ पार्ट ऑफ मशीन होता है तो जो है ट्रक उसकी जो है काफी आवाज तेज होती है गाइस, उसकी आवाज तेज होती है, तो कॉन्टिन्यूसली इफ यू आर हियरिंग दैट नॉइज देन योर हियरिंग प्रॉब्लम मे बी स्टार्ट, आपकी हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, आपको हियरिंग लॉस होने के चांसेस, आपको आपके जो सुनने की क्षमता है वो मे बी कुड बी लॉस्ट, वो लॉस हो सकती है, वो जा सकती है, तो गाइस इसमें कंट्रोल मेजर में जाने की प्रिकॉशंस क्या है इसके, ठीक है। खैर ये हैजर्ड्स है, इसको अभी आप समझिए। तो नॉइज क्या है, एक्सेसिव नॉइज ज्यादा हो, अत्यधिक नॉइज होगी और कॉन्टिन्यूसली उसके हम कॉन्टेक्ट में काम करेंगे गाइस, देन ये चांसेस जो है होते हैं हियरिंग लॉस होने के, ठीक है, माइट बी हियरिंग लॉस, व्हाट इट गाइस, व्हाट इज दैट, सीमेंट मिक्सर ट्रक इलेक्ट्रोक्यूशंस विद इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट मिक्सर ट्रक यदि कोई ध्यान नहीं देता है गाइस, सपोज दैट इलेक्ट्रोक्यूशंस में भी आपका कोई ओवरहेड पावर लाइन सप्लाई गई हुई है और मिलर आप लेकर आ रहे हैं, तो कंक्रीट मिक्सर को आप आरसीएम प्लांट से लेके आ रहे हैं या कहीं से भी आप उसको मतलब रेडी करके लेके आ रहे हैं, ठीक है,
तो रेडी मिक्सचर कॉन्क्रीट, जहाँ पे रेडी मिक्सचर कॉन्क्रीट एक प्लांट होता है, RCM बोलते हैं, रेडी RMC प्लांट, रेडी मिक्सचर कॉन्क्रीट, तो वहाँ से हम उसको लोड कर लेके आ रहे हैं। और यदि कोई आने के और जाने के दौरान यदि कोई ओवरहेड केबल्स हमने नहीं देखा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से हुई है और ये ड्राइवर को नहीं दिखा, क्लियरली नहीं विजिबल हुआ, तो हो सकता है ये इसका मिलर का ये पार्ट यहाँ पे टच कर सकता है, तो इससे इलेक्ट्रिकेशन हो सकते हैं। ये एक बड़ा हजार है, इसे इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग सकता है, ये ड्राइवर की जान जा सकती है और पूरे मिलर में भी आग लगने की, फायर लगने की चांसेस बन सकते हैं गाइस, क्लियर। लास्ट सिक्स इज दैट इनहेलेशन ऑफ डस्ट। डस्ट गाइस क्या होता है, डस्ट जो हम इनहेल करते हैं, हम सांस के दौरान जो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हम इनहेल करते हैं सांस के दौरान, तो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इनहेल करने के बाद में जो बहुत लोग कहना ये भी होता है कि 0.4 UM का जो डस्ट पार्टिकल्स होता है गाइस, उसको हमारा जो नाक के बाल या छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी नहीं रोक पाता, वो इतना मतलब इतना माइनर, इतने छोटे से एकदम होते हैं वो पार्टिकल्स, तो एंटर कर जाने पे क्या कहते हैं आपके बॉडी में, आपके लंग्स पे वो जाके स्टोर हो जाते हैं, और लंग्स में स्टोर होने के बाद में वो एक्यूट होता है कुछ दिन बाद, एक्यूट मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आप उसको कंसल्ट नहीं किए डॉक्टर से, तो उस सिचुएशन में जो है आपको जो है मे बी आपको जो है ब्रांकाइटिस की सिचुएशन हो सकती है, और वो जब क्रोनिक हो जाएगा और पुराना हो जाएगा, 90 डेज से अबव उसकी जो है ड्यूरेशन हो जाएगी, एक साल 6 महीना डॉक्टर से आपने कंसल्ट नहीं किया गाइस, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि गाइस वो अस्थमेटिक पर्सन हो सकता है, और अस्थमेटिक पर्सन ही जो जाके वो लंग्स कैंसर का रूप लेता है। तो डस्ट इज अ बिग हैजार्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, गॉट इट गाइस। सीमेंट हैजार्ड्स मैंने अभी ऊपर बताया था, बहुत सिंपली है, सीमेंट हैजार्ड ऐसे खुद में एक हैजार्ड है, ठीक है, इससे हमें बहुत ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। केमिकल हैजार्ड्स में आपके जितने भी केमिकल हैजार्ड्स हैं, ठीक है, आपका डीजल भी आ गया, डीजल भाई वो मिलर है तो जाहिर सी बात है, और पेट्रोल या डीजल चलेगी तो डीजल भी उसके कॉन्टैक्ट में आना, पावर्ड होता है उसके अंदर, क्षमता होती है, तो वो भी एक उस डीजल से आग भी लग सकती है, और उस डीजल अगर हमें बॉडी में ऑब्जर्व कर ले रहा है या वो चीज इंटर हो जा रही है, हेल कर ले रहे हैं, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है गाइस। तो आई थिंक गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है गाइस, गॉट इट, क्लियर है, ओके, थैंक यू।